हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का डिनर मैं बना रही हूँ और आज के डिनर में बन रहा है ड्राई चिली पनीर। तो मैं और आपको दिखाती हूँ कि मैं ये कैसे बनाती हूँ। कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा ले लिया है मैंने, चिली को बीच से कुछ कट किया है, ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये है अनियन, ये है पनीर एंड सॉसेस, दिस टोमेटो सॉस, सोया सॉस एंड विनेगर। ये है कॉर्नफ्लावर। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ 1/2 टेबल स्पून सोया सॉस। ये इसमें गया सोया सॉस। इसमें मैं डालूंगी पिंच ऑफ सॉल्ट। इसको जैसे कि सारे लोग करते हैं, इसमें पानी डाल के इसका मिक्सचर तैयार करते हैं, मैं उसकी जगह आज आपको एक नई ट्रिक दिखाऊंगी जो कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सिखाई है। इसमें क्या करते हैं, हम पनीर लेते हैं और इसी कॉर्नफ्लावर में डाल देते हैं बिना किसी वाटर के। इसको पहले मैं डाल दूंगी इस सारी पनीर को और मैं इसके बाद इसको करने से क्या होता है कि कॉर्नफ्लावर पूरा इस पे चिपक जाता है और मतलब कुछ ज्यादा स्टिकी भी नहीं होता है। जैसे आपके एक एक पनीर वैसे वो एक दूसरे में चिपक जाते हैं फ्राई करते टाइम, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये पूरे एक एक पनीर आपको देखिए बिल्कुल अलग दिख रहे हैं और ये कढ़ाई में जाने के बाद भी स्टिकी नहीं होगी। पनीर को कढ़ाई में डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये पनीर धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और आपके सामने ये रिजल्ट है कि देखिए एक भी पनीर एक दूसरे में नहीं चिपका है। आप ये बिल्कुल देख सकते हैं, एक एक पनीर बिल्कुल अलग है, एक भी पनीर एक दूसरे में नहीं चिपका है। इस ट्रिक को जानने के बाद मेरी भी प्रॉब्लम बहुत आसान हो गई थी, क्योंकि ऐसे क्या होता था कि वो पनीर चिपक जाते थे और बहुत दिक्कत होती थी, फिर उन्हें बाद में एक एक अलग करो और उसके ऊपर से कॉर्नफ्लावर की कोटिंग भी हट जाती थी। लेकिन इससे देखिए एक भी पनीर हमारा एक दूसरे में स्टिक नहीं है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। जैसा आप लोग देख रहे हैं, मैंने तब तक वहाँ पे पनीर फ्राई हो रहा है मैंने उसे दूसरी गैस पे कर दिया है। मैंने यहाँ पे एक दूसरी कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून रिफाइंड डाला है। अब इसमें मैं थोड़े से वेजिटेबल्स को सॉटे करूंगी। पहले मैं डाल रही हूँ अनियन। अनियन को थोड़ा सा मैं लाइट ब्राउन होने दूंगी। हमारे अनियन हो रहे हैं। अब इसमें मैं डालूंगी शिमला मिर्च, कैप्सिकम। अब इसको हल्का सा मैं सॉटे कर लूंगी। शिमला मिर्च डालने के बाद मैं बहुत ज्यादा देर नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं हम ज़्यादा देर तक करेंगे तो उसकी ग्रीननेस जो है वो चली जाएगी। तो इसको बस बिल्कुल लाइट सा करके, और मैं वेजिटेबल्स को भी इसीलिए हल्का सा पहले सॉटे करके निकाल लेती हूँ ताकि जब मैं इसे ग्रेवी में डालूँ तो ये जो कैप्सिकम की आपको ग्रीननेस दिख रही है ये वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। जैसे कैप्सिकम में आपने देखा होगा हल्का सा कालापन आ जाता है या कुछ हो जाता है, तो इस प्रोसेस को करने से वो चीज़ नहीं होती है। ये हमारी कैप्सिकम हो जाए 1 मिनट और उसके बाद मैं इसे निकाल लूंगी। उसके बाद हम कढ़ाई में, फिर मैंने 2 टेबलस्पून डाला है रिफाइंड। अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ गार्लिक पेस्ट। ये क्या हमारा गार्लिक पेस्ट। फिर हमारा गया जिंजर पेस्ट। इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे। मैंने इसमें कुछ चिलीज काट के रखी थी बीच से, वो इसमें जाएंगी।
अब इसमें हम डाल रहे हैं टोमेटो केचप, फिर इसमें जा रहा है ये सोया सॉस, विनेगर, अब इसमें जा रहा है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप जो अब हम इसमें डालेंगे हमारे पनीर। आप देख सकते हैं पनीर बिल्कुल एक एक अलग है, ये क्या हमारा पनीर, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा पनीर मिक्स हो गया अच्छे से, अब हम इसमें हमारी वेजिटेबल्स को डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा फन फूड्स का पास्ता सॉस डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर ये आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो, मैं डालती हूँ तो ये आपके ऊपर है। उसके बाद ये मेरा अरारोट वाला जो मिक्सचर में बचा था बैटर थोड़ा सा, मैंने उसे पानी में डाल के घोल लिया है। अब मैं इसे पनीर के अंदर थोड़ा सा डालूंगी पहले, क्योंकि मुझे ड्राई बनाना है, तो मैं इसे तो इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये सारी चीज़ें थोड़ा एक दूसरे में स्टिक हो जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम डाल रहे हैं थोड़ा सा चिली पाउडर, बस अब ये हमारा चिली पनीर रेडी है। अब मैं इसकी गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी। आप जैसे देख सकते हैं इसके कैप्सिकम बिल्कुल ग्रीन बने हुए हैं। आज आप सबको बिलीव नहीं होगा, आज आशवी चिली पनीर खा रही हैं। आशवी आज ये पहली बार ट्राई कर रही हैं चिली पनीर को खाने के लिए, क्योंकि इससे पहले तक उसे बहुत चिली लगता था, मैं हर बार उसे वॉश करके खिलाती थी। आशवी आशवी चिली पनीर अच्छा लग रहा है, यम्मी है, बहुत अच्छा है, खा के दिखाओ। नहीं तूल रहा है, मैं तोल दूं। वाओ यमी, यू लाइक चिली पनीर आशवी? नो नो, फाइटिंग नहीं करो, यू लाइक चिली पनीर, अच्छा है। मम्मा ने कैसे बनाया है? ये मेरी चुटंकी को देखिए, चुटंकी हाय कर दो सबसे। एलिस से हाय, हाय हाय, एलिस हाय करो सबसे, एलिस हाय करो, हाय हाय, प्रैक्टिस कर दो सबको, अच्छे से कर दो। अब डिनर के बाद आशवी और एलिस मैंगोस खा रही हैं। एलिस क्या खा रही हो, क्या खा रही हो, मैंगो खा रही हो आशी? मैंगोस ओके, यम्मी मैंगोस। आशी मैंगोस कैसे हैं? अच्छे हैं। एलिस एलिस ओ एलिस, नो फोक्स नहीं, ओ सारा गिल गया, ओ ओ ले ले, आशी उठा दो, उसकी हेल्प कर दो, हेल्प।
जेलस, दीदी के हैंड से खा लो। एलिस चटंकी चटंकी दीदी के हाथ से खा लो। आशवी अपना पूरा बिग सिस्टर वाला काम करती है। बस बस एलिस इतना सारा माउथ में नहीं डालते, एलिस इतना सारा माउथ में नहीं डालते हैं एक बार में। इसने कितना सारा माउथ में डाल लिया ना आशी। सारा माउथ से निकल गया। कालो 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 एलिस क्लैप कर दो, क्लैप एलिस, क्लैप 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 क्लैप। वाओ एलिस डॉगी कैसे बोलता है, एलिस डॉगी कैसे बोलता है? बोबो फिर से बताओ डॉगी कैसे बोलता है। बोबो बो अले 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 डॉगी कैसे बार करता है? कैट कैसे बोलती है? म्याँ, म्याँ, म्याँ। और डक और मंकी एलिफेंट और टाइगर टाइगर या गोट कैसे बोलती है? गोट 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 मैं मैं मैं। ओके अच्छा सबसे बाय कर दो, बाय गुड नाइट आशी एलिस का बाय। हाँ।